हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। अगर आपको मेरी रेसिपीज वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, ईजी और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाने वाला और सबको पसंद भी आने वाला पिज्ज़ा मसाला पराठा। और बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाएं क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। आप इस पराठे को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पराठे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूँ का आटा, नमक स्वाद के अनुसार और 2 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 कप आटा गूंथने के लिए मुझे यहाँ पर 1 कप पानी और 1/4 कप पानी की ज़रूरत लगी है। आटे को 15 मिनट रेस्ट करने देंगे क्योंकि आटा गूंथते टाइम जो आटे के अंदर प्रोटीन है, ग्लूटीन, वो इलास्टिक हो चुका है और जब हम इसे रेस्ट करने देंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा और हम आटा इजीली रोल कर पाएंगे और एक प्रॉपर शेप भी दे पाएंगे। तो ये देखिए, मैं दोबारा से इसको गूंथ रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें से एक पेड़ा निकालकर उसकी लोई बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इसके बाद अब हम लोई के ऊपर सूखा आटा डस्ट करके इसकी रोटियां बेलेंगे। तो किनारों से दबाते हुए और पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। बीच में अगर आपको सूखा आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी स्प्रेड कर रही हूँ। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ पिज़्ज़ा ओरिगेनो। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। इसको हाफ फोल्ड कर देंगे और दोबारा से हाफ फोल्ड कर देंगे, फिर से हम घी स्प्रेड करेंगे और पिज़्ज़ा मिक्स स्प्रिंकल करेंगे और इसे हाफ फोल्ड करके इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर शेप का लोई बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसे अच्छे से पतला बेल कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पराठा बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर पराठे को सेक लूँगी। तो अब हम इसके दोनों साइड घी लगा देंगे और इसे दोनों साइड पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा फूल चुका है और इसके लेयर्स भी खुलने लगी हैं। तो ये देखिए, पराठा काफ़ी अच्छे से सिक गया है और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, एक पराठा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी जो लेयर्स हैं वो खुल गई हैं
और काफ़ी क्रंची बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, आप ये पराठे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे और ख़ासकर बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल रेसिपी अड्डा बाय मेघा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी क्लिक कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।